Class 10th. So now we are moving to the last part of this chapter, but I think the most important part indeed. Okay, I have given you the exercise and very great response from your side. So a few things has been written there. What government should do, what the in order to make the fair share of the benefit of the globalizations, and what should the employer at the exporting factory should do in order to give the benefit of the globalization to all the persons who are working in his organizations. What is the role of the MNCs and what a MNC should do in order to share the fair share of the globalizations, or for the worker what they should do. So answer of these questions was very classically given by you, but the answer of these questions is the next part of the chapter. So the title is The Struggle for a Fair Globalization. Sangharsh ek acche globalization ke liye ek sahi tarike ka kya globalization ho sake. Above evidence, what evidence? This evidence, how the garment worker are facing the different kind of the situation and the conditions of the small producers like the Ravi. So these evidence which we have studied. So what has been written there? Sorry. The above evidence indicate that not everyone has benefited from the globalization. Of course, not everyone has benefited from the globalization. People with the education, skill and the wealth have made the best use of the new opportunities. Yani jo well-off section hai, jo achha padha likha section hai, usne naye mauke ka fayda uthaya, wo hamesha uthate hain. On the other hand, there are many people who have not shared the benefit, lekin ek bahut badi sankhya hai jinko fayda nahi mila hai. Since globalization is now a reality, यह वास्तविकता, आप इसे बदल नहीं सकते हैं. बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप वहाँ पहुँच गए globalization में कि अब आप ये irreversible है, ये reverse नहीं होने वाला. तो अब इस globalization तो को आप ये कह रहा है, since globalization is reality, अब question ये नहीं है. The question ये है कि how to make globalization more fair. इसको हम कैसे ज़्यादा सही या equal बना सकते हैं. फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. वट इट मीन्स बाई द फेयर? फेयर का मतलब है सब लोगों के लिए मौका मिलेगा. किसके लिए? एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, वर्कर, MNCs, लेबर्स, वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, जिससे कि ग्लोबलाइजेशन के जो मुनाफा है, फ़ायदा है, सब तक पहुँचे. हमने पूछा था इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है. द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल. सरकार कर सकती है रोल. कैसे? इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच and to the powerful but all the people of the country. सरकार को सिर्फ रिच के ही इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देखना चाहिए, बल्कि सबके लिए देखना चाहिए. सुनने में आया भारत के एयर स्पेस पर एयरलाइंस कुछ दिनों बाद खुल जाएंगी. रेलगाड़ियों के बारे में अभी नहीं पता है, समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री. आप देख लीजिएगा, यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक. हमने पढ़ा कुछ एक पॉसिबल स्टेप दैट द गवर्नमेंट कैन टेक, जो सरकार ले सकती है. फॉर इंस्टेंस, जैसे गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लॉ, लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. एक चीज़ है कि क्या करना चाहिए कि जो लेबर लॉज हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड हों. आपके देश में लेबर लॉ सही तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, पता है ना आपको. हमने आपसे डिस्कस करी थी एमडिस द कोविड 19, द लेबर लॉज समहाउ सस्पेंडेड फॉर द ईयर्स, टू ईयर्स, थ्री ईयर्स, एंड द वर्कर गेट दियर राइट्स. वर्कर को अपने राइट्स मिलने चाहिए, तभी तो सुनिश्चित होगा. इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इट मीन्स अ गवर्नमेंट कैन सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर. सरकार को उसको सब्सिडीज या और सपोर्ट देने चाहिए टू इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम द स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट. चाइना ने यही किया, पहले अपने जो प्रोड्यूसर था उसको सपोर्ट किया, पूरे देश को बंद रखा, बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं आने दिया. जब ये तैयार हो गया कम्पीट के लिए, तब इंटरनेशनल मार्केट को खोला, ट्रेड बैरियर्स को खोला, लिबरलाइजेशन किया, और दुनिया में उसका असर देख रहे हैं. इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज द ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर. अगर जरूरी हो तो सरकार को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगाना चाहिए कि हम विदेश से इसका ट्रेड नहीं आने देंगे, इससे हमारे प्रोड्यूसर को असर पड़ रहा है, या हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे इस सेक्टर में. अभी आप देखना कि कोविड 19 के समय जो घोषणाएं की गई हैं, किन किन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट सरकार ने बढ़ा दिया है. इट कैन नेगोशिएट एट द WTO, क्योंकि WTO इज मॉनिटरिंग द इंटायर प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन वी स्टडी इन द लास्ट वीडियो. इट मीन्स द गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट द WTO फॉर फेयरर रूल्स. नियम कानून भैया अच्छे होने चाहिए इस गेम के, लिबरलाइजेशन के नियम कानून सही हों. इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सरकार को और डेवलपिंग कंट्री के साथ भी अलाइन करना चाहिए, एंड वी हैव डन सो. क्यों करना चाहिए? विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्री. WTO में जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके से लड़ सकें और अपने इंटरेस्ट को गरीब देश बचा सकें. इसके लिए क्या किया है? देर इज ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल द G77. अभी तो इसमें 123 कंट्रीज हैं. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्री
और ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर नियो बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री के चैप्टर में आएंगे फोर्थ में द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल ऑर्डर। तो इन देशों ने एक संगठन बनाया G77 जिसमें अब 123 देश हो चुके हैं, शुरुआत में ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज था। ये कह रहे हैं हमें न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर चाहिए। क्या चाहिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर? कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें फेयरर रूल्स हों इंटरनेशनल ट्रेड के, और ग्लोबलाइजेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ग्लोबलाइजेशन की इस प्रोसेस पे वो अपने रिसोर्सेज पे अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें, रादर देन की जो डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट शुरू हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर। मैसिव कैंपेन एंड टू द रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन, पिछले कुछ सालों में भयानक कैंपेन चले हैं लोगों ने इसके द्वारा, संगठन के द्वारा। और वो क्या कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी है WTO की और ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, इस पे चेंज लाया जाए, फेयरर ग्लोबलाइजेशन हो सके। दिस हैज डेमोस्ट्रेटेड द पीपल कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और ये भी दिखाता है कि ग्लोबलाइजेशन में लोग भी संघर्ष कर सकते हैं और वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। सो दैट इज द वन सीन, द डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द WTO इन द हांगकॉन्ग 2005 में, WTO के खिलाफ, ये न्यू लिबरलिज्म इसको बोलते हैं, न उदारवादी व्यवस्था, ये हांगकॉन्ग में विरोध किया जा रहा है। इसी को समझने के लिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये दिखा रखा है वी आर द 99, वी डिजर्व चेंज। ये लोग कह रहे हैं हमें बदलाव चाहिए। ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये ऑक्यूपाई मूवमेंट चला US में और इसमें कहा गया 99%। ये देखिए वी आर द 99%। तो एक ये मूवमेंट है कि भाई बैंकॉक, जब ये 2008 में एक रिसेशन आया जैसे अभी कोविड से पहले आ रहा था, इसमें कहा गया कि जब बैंक बर्बाद होते हैं प्राइवेट, तो आप उनको पैसा देते हो, मुनाफा कमाते हैं, तो आप उनसे कुछ नहीं लेते हो। वी आर द 99, एक बहुत बड़ा मूवमेंट यूरोप में भी चला इसके अगेंस्ट में, इस ग्लोबलाइजेशन की पूरी अगेंस्ट में। मैं कुछ और पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, कैपिटलिज्म इज फेलिंग, ग्लोबलाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है न्यू लिबरल इकोनॉमी वाली। ये देखिए इस तरह से दुनिया के अमीर देशों में भी इस तरह के आंदोलन, फेयर ट्रेड नॉट फ्री ट्रेड। वो कह रहे हैं फ्री ट्रेड नहीं चाहिए हमें, फेयर ट्रेड चाहिए। जबकि क्या कहते हैं वर्ल्ड WTO कहता है फ्री ट्रेड करो, कोई वैरियर ना हो, करें नो वी डू नॉट नीड द फ्री ट्रेड, वी नीड द फेयर ट्रेड। सो दैट कैपिटलिज्म, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन रिटन देयर, WTO गो हेल। ये देखिए WTO गो हेल, और ये मैकडोनल्ड का पीछे साइन लगा हुआ है वहाँ पे, ये लोग कर रहे हैं। तो अमेरिका में ही खुद ही जिसने दुनिया में ये व्यवस्था दी है वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इक्विटेबल हो, उन्होंने दिखा रखा है कि ये इस तरह से दिखा रखा है कि कितना खतरनाक है, स्कल्टन और ये पहन के आए हैं, ये बहुत फेमस चेहरा है जब ये पूरा विरोध किया गया। टाइम टू एक्ट ऑन कैपिटलिज्म, सो अलग अलग कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेज में लिख रखे हैं। दुनिया भर में ऐसे आंदोलन है, दुनिया भर में जब भी जब WTO की मीटिंग्स होती है दंगे हो जाते हैं, टोटल फ्रीडम इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो ये दुनिया भर में एंटी ग्लोबलाइजेशन के जो के अगेंस्ट हैं वो बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था एंटी ग्लोबलाइजेशन वाई, ये देखा जा सकता है। कुछ एक देखते हैं, मैं एक चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी एंटी ग्लोबलाइजेशन उन देशों में बढ़ गया जो इनको शुरुआत कर रहे थे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन था, वो कह रहे हैं विदेशों से लोगों को नहीं आने देंगे, विदेशों की कंपनियों को नहीं आने देंगे, चाइना और टर्की को लेकर ट्रेड बैर कर दिया, भारत से कह दिया ट्रेड वॉर कर दिया, लास्ट से लास्ट ईयर की कहानी है, भारत से कह दिया कि भाई आप इंटरनेशनल ट्रेड में सही सिस्टम नहीं कर रहे हैं। तो ये दुनिया भर में ऐसा, ब्रेग्जिट अपने आप में एक ऐसा ही एक आंदोलन है, तो दुनिया भर में ये प्रोसेस चल रही है। ये देखिए, ये यूरोपियन देश ने एक यूरोपियन यूनियन बनाया, क्या किया इन्होंने, ट्रेड बैरियर खत्म ही नहीं किया बल्कि अपने बॉर्डर खत्म कर दिए, तभी तो यूरोपियन यूनियन बना। 27 देशों में से 21 देश की एक करेंसी थी, लग्जमबर्ग में एक पार्लियामेंट है इन देशों की, और ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अब ये देशों में एंटी EU पार्टीज मूवमेंट चल रहे हैं कि हमें अलग होना है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से, अलग कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये कह रहे हैं ये एथिकल पॉलिटिकल और कल्चरल बेनिफिट के लिए, ये अच्छा ये तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में कहा गया था, अगेंस्ट है कि भाई एक तो फ्री ट्रेड कुछ नहीं है, ये इसका नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक प्रोडक्शन, प्राइमरी गुड्स प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी, एक ही तरह का कल्चर, MTV हॉलीवुड, एक ही तरह का कल्चर दुनिया भर में, यूनिफॉर्म कल्चर प्रोड्यूस किया जा रहा है, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट। भाई इंडियन मार्केट में और भी तो चीज़ों की खाने वाली, KFC क्यों खाया जाए भाई, अलग अलग चिकन मटन अलग अलग तरह के भी होंगे, तो आप एक तरह की बात क्यों करें। MNCs को फ़ायदा हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे, कुछ एक MNCs का बजट इतना है जो दुनिया के बहुत सारे देशों का GDP नहीं है, और जो लेबर और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर कहते हैं, सिर्फ गुड्स कहते हैं। ग्रीक में 2008 में जो क्राइसिस आया, 2009 ग्रीक की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई, ग्रीस जो देश है उसमें पूरा आंदोलन चला यूनान में कि भाई ये लिबरलाइजेशन वाली। और सोर्स है न्यूयॉर्क टाइम्स, देखिए सोर्स क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो आर्गुमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट का है। तो इस तरह से दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ पूरे आंदोलन चल रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट है वो ये आर्गुमेंट है, हेल्थ इशूज हैं, कोविड 19 ग्लोबलाइजेशन के कारण, अगर आप इंटरकनेक्टेड नहीं होते
एड्स जैसी बीमारियां कहा जा सकता है, लॉस ऑफ कल्चर, लोकल कल्चर ख़त्म हो रहा है इसके चक्कर में, अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में जो वेल्थ जनरेशन है वो फ्यू हैंड्स में जा रही है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ग्लोबलाइजेशन के सबसे अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन ने, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है। कोविड 19 के समय में देख रहे हैं हम कितना क्लीन हुआ है, डिस्पैरिटीज़ गैर बराबरी बढ़ी है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और उसके चक्कर में आपने देखे छोटे छोटे जो आपके कस्टमर हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मोनोपोलीज हैं, ये सारे नुकसान दिखाए गए हैं आपके। इसी तरह से हेल्थ इशूज़ है, जैसे एड्स के बारे में दिखाया अभी, हेल्थ इशूज़ देखा, कोविड है, सार्क है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां एक देश से दूसरे देश में फैली हैं, कल्चर ख़त्म हो रहा है, एक ही तरह का आपको कल्चर दुनिया भर में दिख रहा है, कॉफ़ी हाउसेज और वो लोकल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अनइवन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया भर में 99% हमने देख लिया, ऑक्यूपाई मूवमेंट एक चला, इन्वायरमेंट डिग्रेशंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ये बहुत ही सॉलिड आर्ग्यूमेंट है ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। डिस्पैरिटीज़ बढ़ी है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये बताया गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतिस्पर्धा, और इसमें जो छोटे प्रोड्यूसर हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, अभी हमने कहानी देखी थी, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों देशों के बीच में, जो हमने शुरुआत करी थी इस चैप्टर की, जो अमेरिका में अटैक हुआ था वो क्या है, वो कल्चरल हेजेमनी के खिलाफ भी देखा जाना चाहिए कि यूएस या यूरोपियन देश हर दुनिया के देश में एक अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस आना चाह रहे हैं, तो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट हैं, मोनोपोली है दुनिया के कुछ देश, दुनिया के कुछ कल्चर, दुनिया की कुछ एमएनसीज, दुनिया का एक तरह का ही सेटअप दुनिया भर में थोपा जा रहा है, तो ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट कुछ एक आर्ग्यूमेंट्स हैं। ओके, थैंक यू डियर।